हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वैद्य, चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, 500 ड्रॉप वाला फाउंडेशन चैलेंज। तो मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करने वाली हूँ और मेरे चेहरे का लुक कैसा दिखता है वो देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वीडियो को भरपूर लाइक दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज मिलेंगी सीखने के लिए, जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या लुक आता है। तो इसके लिए पहले मैं बहुत सारा फाउंडेशन अपने हाथों पे लूँगी। लैक्मे 9 to 5 का फाउंडेशन मैट फिनिशिंग देता है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बट ये चैलेंज मुझे करना था तो इतना सारा फाउंडेशन मैंने लिया है। देन देखते हैं कितना टाइम लगता है, 4, 5, 6, 7, 8। तो फाइनली मैंने 500 ड्रॉप, मतलब 500 बार टैप टैप करके फाउंडेशन को लगा लिया है अपने स्किन पे एंड काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन दिख रहा है। और इसको ब्लेंड करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। मैंने हाथों में इतनी ज़्यादा फाउंडेशन इस तरीके से ले लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फाउंडेशन है, कितना फुल कवरेज देता है ये, वाओ। चलिए ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। पूरी लेयर बन रही है फेस पे। ब्यूटी ब्लेंडर का भी हाल काफी अजीब हो गया है। कितना भी ब्लेंड कर लो, इतना फाउंडेशन ब्लेंड होना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसको ब्लेंड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं थक चुकी हूँ ब्लेंड कर करके और मेरे फेस का हाल आप देख रहे हो। तो इतना ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, ये तो चैलेंज की बात हो गई थी तो मैंने भी किया और आप देख सकते हो मेरा हाल। मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ एंड रियल, अगर आप सच में फाउंडेशन लगा रहे हो तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में फाउंडेशन को अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, ताकि आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगे और बहुत खूबसूरत सा लुक निकल के आए। फाउंडेशन का इतना ज़्यादा लेयर नहीं लगाना है, इससे आपकी स्किन पे दिक्कत भी हो सकती है एंड बहुत भद्दा लग रहा है ये। तो इसको मैं जा रही हूँ वॉश करने और मैं अपना हेयर कट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज एंड ड्राई हो चुके हैं। और जो भी मुझे लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको वेरी सॉरी कि मैं लाइव नहीं आ पा रही, बट मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम को मैं लाइव आ पाऊँ एंड आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो उन सबका रिप्लाई कर पाऊँ। तो मैं इसको हाथों से भी ब्लेंड कर रही हूँ तो ये ब्लेंड नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया है मैंने कि मुझे
इचिंग सी हो रही है, तो मैं इसको जल्दी से वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले ना तो मैंने स्किन केयर किया था, ना ही मैंने प्राइमर लगाया था, मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगाया था। तो मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीटीएम, प्राइमर, पूरी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप कैसे अप्लाई करनी चाहिए, सारी चीज़ों की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, जो आपको मेकअप करने में जो भी दिक्कतें आती होंगी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। यू तो मिलते हैं फेस वॉश करके। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, तो बस ये चैलेंज था तो मैंने कर लिया। एंड अभी मैं करूँगी अपने स्किन का डेली स्किन केयर रूटीन, तो मैंने पहले भी शेयर किया है, बट जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं दोबारा से बता देती हूँ कि डेली स्किन केयर रूटीन में आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे आप अपने स्किन का केयर करते हो, तो आपके स्किन पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ, सारी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड मैं लूँगी अभी। तो सॉरी, कोई कस्टमर आ गया था, इस वजह से वीडियो बीच में रोकना पड़ा था। तो आपको सब स्किन केयर करते टाइम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्किन को कोई अच्छा सा टोनर ले लीजिए। तो मेरे पास टोनर नहीं है अभी, तो मैं फिलहाल में गुलाब जल यूज़ करी, तो आप भी गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। टोनर भी हमारे स्किन के डर्ट को, डेड स्किन को रिमूव करता है और अपनी आपकी स्किन को फ्रेश लुक देता है, और गुलाब जल भी सेम काम करता है। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है या फिर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप टोनर चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हो। ओके, गुलाब जल या टोनर अप्लाई करने के बाद इसको 5 मिनट छोड़ेंगे ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है एंड मैं सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा हमारा मॉइस्चराइजर। ये आपको डेली करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया एक दिन नहीं किया। अगर आप अपने स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट, स्मूथ, फेयर एंड यंग दिखाना चाहते हो, जल्दी आपका एजिंग जो है वो अपनी एज से 4-5 साल कम दिखाना चाहते हो, या फिर आपकी स्किन पे झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स आ रही हैं, तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप अपनी स्किन को काफ़ी हद तक यंग दिखा सकते हो। तो मॉइस्चराइजर को अच्छे से अप्लाई करना है। अब सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी स्किन पे छाइयां, पिगमेंटेशन का, जैसे बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग सारा कुछ तो सही कर रहे हैं, पानी भी खूब पी रहे हैं, हर एक चीज परफेक्ट है, फिर भी हमारे स्किन पे इतना ज़्यादा दाग धब्बा एंड जो हमारा नेचुरल कलर है उससे डार्क क्यों दिख रहा है हमारा स्किन। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप करते हैं वो है अपने डेली स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन शामिल ना करना। तो सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगा रहे हो और आप सोचते हो कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, बाहर जाती ही नहीं हूँ, और फिर भी मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन क्यों आ रहा है, मुझे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो। आपको सनस्क्रीन की बिल्कुल जरूरत है। अगर आप बाहर जाते हो तो जो SPF होता है इसमें देखिए 15 है, मैं भी घर में रहती हूँ, ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हूँ, तो 15-30 के अंदर अंदर आप SPF वाला सनस्क्रीन लोगे घर वालों के लिए जिनको बाहर नहीं जाना होता है। लेकिन जो बाहर जाते हैं, डेली ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, उनको यूज करना है 30-50 के बीच वाला SPF। ओके, जो कि आपके सूर्य के जो यूवी किरणें होते हैं जिससे हमारी स्किन को हार्म पहुंचता है, सांवला हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाती है, छाइयाँ आ जाती हैं, उनको ये रोकता है। तो आपको अपने डेली स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को भी शामिल करना है। ये जो सनस्क्रीन है ये आयुर का सनस्क्रीन लोशन प्रोटेक्ट एंड फेयरनेस के लिए, तो मैं ये यूज कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है मेरी स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है तो आप कोई अच्छा सा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, बहुत ही सस्ते रेट में आपको बढ़िया सनस्क्रीन लेना है तो आप आयुर का ले सकते हो। तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, आप देख रहे हो मैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सनस्क्रीन को अप्लाई कर रही हूँ। सनस्क्रीन लगा के आपको 2-3 मिनट छोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना भी आपका बॉडी पार्ट शो हो रहा है उस पर आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए, अगर आप चाहते हो कि आपका जो बॉडी पार्ट है वो आपके नेचुरल कलर से सांवला ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो बॉडी पार्ट ढका होता है वो आपके फेस से, हैंड से काफ़ी गोरा होता है, तो आप सनस्क्रीन उस पर लगाओगे तो आप अपने बिल्कुल जो हाइड बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी तरह अपने फेस को एंड हैंड को भी निखार सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। तो चलते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हेयर कट का हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हो, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। रात को 9 बजे के बाद मैं लाइव आऊंगी, तो आप लोग अगर जिनको भी जो कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे लाइव में पूछ सकते हो। और मैं लाइव नहीं आ पाई थी उसके लिए वेरी सॉरी। अब मैं कोशिश करूंगी कि लाइव आके आप लोग के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको बता सकूं, या फिर अगर मैं लाइव नहीं भी आती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।